मॉर्निंग बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 29। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 8 और डेट है 29/1/2021। हम रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं 8th क्लास का, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पिछली बार हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब हमने कर लिए हैं। आज हम जनरल जो और भी एनिमल्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, किस तरह का रिप्रोडक्शन प्रोसेस उसमें होता है। We all know that we and our siblings get some characteristics from their mother and some characteristics from their father. हम लोगों को सबको पता है कि जो हमारे siblings होते हैं, हम होते हैं, हम लोग characteristics कहाँ से लाते हैं? अपने father mother से। Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? इसको understand करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि fertilization क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, ठीक है? तो start करते हैं। Fertilization is the process of fusion of gametes of father and mother. उसके फ्यूजन से जो होता है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है? मतलब जैसे अगर फादर है, फादर के स्पर्म्स और मदर के जो एग्स हैं वो मिलकर जो बनाते हैं वो बनता है जाइगोट, और इस प्रोसेस को पूरे को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ओके, अब इसमें दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है। एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में होती है कि इसमें जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, मेल और फीमेल का, वो बॉडी के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। और जैसे कि काउज में भी होता है, हेंस होते हैं, कैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पे गैमीट्स का फ्यूजन जो होता है वो बॉडी के बाहर होता है। जैसे कुछ टैटपोल्स हो गए, फ्रॉग्स हो गई, स्टार फिशेज, टोड्स, टोड भी फ्रॉग की कैटेगरी में आते हैं। टोड का जो साइंटिफिक नेम है वो है बुफोमेलोनस टिक्टस, और जो फ्रॉग है उसका है राना टिग्रेना, ठीक है? वैसी बता रही हूँ कि साइंटिफिक नेम होता है, जैसे कि आप लोगों के स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, तो इसी तरह से हम जो इनके भी साइंटिफिक नेम्स अलग होते हैं, और वैसे उनको टोड भी कहा जाता है और फ्रॉग्स कहा जाता है। इन सच केसेस इसमें क्या होता है, फीमेल बहुत सारे अंडे देती है। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर, और एक जेली टाइप होती है, जेली टाइप का मटेरियल होता है, वो जो है वो एग्स को कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। एज दी एग्स आर लेड, जैसे ही एग्स बाहर जाते हैं, मेल डिपॉजिट द स्पर्म्स ओवर देम, जो मेल है वो स्पर्म्स उस पर डिपॉजिट कर देता है। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। स्पर्म जो है वो क्या करता है, लॉन्ग टेल होती है उससे वो घूम चलता है। द स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग्स, स्पर्म्स जो है वो एग्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं। This results in fertilization, जिससे कि fertilization हो जाती है। Here the fertilization takes place in water. अब यहाँ पर जो fertilization हो रही है वो क्या हो रही है, external हो रही है, क्योंकि वो body के बाहर हो रही है, पानी में हो रही है, तो इस process को हम लोग external fertilization कहते हैं। ये ज़्यादातर पानी वाले जो होते हैं ना उनके अंदर होती है, right? फिर उसके बाद है, Have you ever heard of test tube babies? कभी आपने test tube babies के बारे में सुना है? कुछ वुमेन में क्या होता है, ओविडक्स ब्लॉक्ड होती हैं। ओविडक्स मतलब, पिछली बार जब हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, ये ओविडक्स होती हैं, यहाँ से ओवरीज होते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो आर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, इसको क्या कहते हैं, ओविडक्स कहते हैं, ठीक? तो ये जो ओविडक्स होते हैं कुछ लेडीज़ में ब्लॉक्ड होते हैं। सच वुमेन आर अनएबल टू बेयर बेबीज बिकॉज द स्पर्म कैनॉट रीच द एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन। ऐसी जो लेडीज़ होती हैं, वुमेन होती हैं, उनके बेबीज़ नहीं होते क्योंकि स्पर्म पहुंच ही नहीं पाते एग्स तक। ड्यू टू ब्लॉकिंग, ब्लॉक होने की वजह से दे कैनॉट रीच द एग, वो नहीं पहुँच पाते। इन सच सिचुएशन द डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज एग्स एंड द स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर फॉर द फ्यू आवर्स फॉर IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसमें क्या होता है कि जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं, जो एग्स होते हैं फीमेल के और जो स्पर्म्स होते हैं उनको आउटसाइड द बॉडी रखा जाता है, ठीक है? और आउटसाइड इसको फर्टिलाइज किया जाता है। तो इन केस में इस ऐसी वाली जो फर्टिलाइजेशन है उसको हम IVF कहते हैं या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस। जो जाइगोट बनता है उसको बाहर रखा जाता है, मतलब लेबोरेटरी में, और उसके बाद फिर वो मदर के यूट्रस में डाल दिया जाता है ताकि वो वहाँ पर ग्रो कर सके। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस इन मदर्स यूट्रस। पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट होती है वो मदर के यूट्रस में ही होती है। एंड बेबी इज बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी, और ऐसे ही बेबी पैदा होता है जैसे कि बाकी सारे नॉर्मल बेबीज होते हैं। और बेबी इज बॉर्न विद दिस टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। और जो बच्चे ऐसे पैदा होते हैं उनको क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है। और
टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि उनको टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है, उनको टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं किया जाता, उनको कल्चर में ग्रो किया जाता है और उसके बाद इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस में फीमेल के। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इज़ व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन यह है, ये आप देख रहे हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट, ये वाला आ जाएगा। और इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज द प्रोसेस अकर। फीमेल के आपको मालूम है कहाँ पे होते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। फिर है गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो ये सारा आंसर नंबर टू आ जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर थ्री है फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड। फ्यूजन जो होती है उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं प्रोसेस को। ठीक है, इन काओ ह्यूमन डैश फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इन काओ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और हैन कैट डॉग इन सब में क्या कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कौन सी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन डैश एनिमल्स। एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है वो जनरली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में होती है जो पानी में रहते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ IVF, तो IVF की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये हमारा था आंसर नंबर फोर। ये रही आज की वर्कशीट, आपको उम्मीद है पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वॉच करें, ढंग से समझें और पढ़ें। टेक केयर, बाय बाय।